हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। जैसा कि आपको पता ही है, मैं CBSE कंप्यूटर क्लासेस के अंतर्गत क्लास 2 के कंप्यूटर चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ चैप्टर वाइज, और फिर उसके बुक के क्वेश्चन सॉल्व करके बता रही हूँ। उसके बाद हम चैप्टर और बुक सॉल्व करने के बाद क्लास 2 के ओलंपियाड एग्ज़ाम की तैयारी से संबंधित प्रैक्टिस सेट भी लेकर आऊँगी। तो इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 7, हाउ टू ड्रॉ एन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में कोई भी चीज़ हम ड्रॉ कैसे करते हैं। हाउ टू ओपन एस एम एस पेंट। कंप्यूटर आर प्रोवाइड विथ पेंट प्रोग्राम कॉल्ड MS पेंट। कंप्यूटर हमें पेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करता है जिसे हम MS पेंट कहते हैं। हेयर MS रिफर्स टू द माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पर MS का मतलब हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट। द पेंट प्रोग्राम हैज़ मेनी टूल्स डैट हेल्प अस टू ड्रॉ ब्यूटिफुल पिक्चर्स एंड कलर दे। पेंट प्रोग्राम हमें बहुत प्रकार के टूल्स देता है जिसकी मदद से हम ब्यूटीफुल पिक्चर बना सकते हैं और उसको हम कलर कर सकते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप टू स्टार्ट MS पेंट। विभिन्न स्टेप्स को फॉलो करके हम MS पेंट को ओपन कर सकते हैं। स्टेप 1, फर्स्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। स्टेप 2, क्लिक ऑन द ऑल प्रोग्राम्स। स्टेप 3, क्लिक ऑन द एसेसरीज एंड स्टेप 4, देन क्लिक द MS पेंट। पार्ट्स ऑफ पेंट विंडो। ऑल द टूल्स आर ड्राइंग एंड पेंटिंग आर प्रेजेंट इन MS पेंट विंडो। विभिन्न प्रकार के टूल्स हमें ड्राइंग के लिए और पेंटिंग के लिए MS पेंट विंडो में मिलते हैं। इरेजर, पेंसिल, फिल विथ कलर्स, टेक्स्ट, कलर पिकर, मैग्नीफायर, दिस इज ड्राइंग एरिया, सेप टूल्स, कलर 1 एंड कलर 2, कलर ग्रुप्स, ये कलर्स ग्रुप हो जाते हैं, सेप्स टूल्स, ये हो गया आपका ब्राइटनेस, ब्रशेस हो जाती है, ए फॉर टेक्स्ट, ये हो गया आपका कलर पिकर, फिल विथ कलर्स, पेंसिल एंड इरेजर। नेक्स्ट टूल्स ग्रुप हो गए ये सारे, ड्राइंग एरिया, स्क्रॉल बार। अब इन सभी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि इसका क्या यूज़ है। टूल्स ग्रुप। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल टूल्स यूज फॉर ड्राइंग एंड कलरिंग। टूल्स ग्रुप में विभिन्न प्रकार के टूल्स रहते हैं जिनकी मदद से हम ड्रॉ कर सकते हैं और कलर कर सकते हैं। ड्राइंग एरिया, दिस इज ड्राइंग एरिया। द ड्राइंग एरिया कवर द मेजर पार्ट ऑफ द पेंट विंडो। इट इज द वाइड स्पेस लाइक अ बोर्ड विच इज यूज टू क्रिएट ड्राइंग। ड्राइंग एरिया एक मेजर पार्ट होता है पेंट विंडो का, जो जिस पे एक वाइट स्पेस होता है लाइक वाइट बोर्ड की तरह, और वहाँ पर हम कुछ भी ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं। कलर ग्रुप। इट कंटेन्स डिफरेंट कलर विच आर यूज टू कलर द पिक्चर। इसके अंतर्गत बहुत सारे कलर्स होते हैं जिसको कि हम अपने पिक्चर्स में यूज कर सकते हैं। स्क्रॉल बार्स, दे एनेबल यू टू मूव अप डाउन और लेफ्ट राइट इन योर ड्राइंग एरिया। स्क्रॉल बार की मदद से हम अपने ड्राइंग एरिया को लेफ्ट राइट एंड अप डाउन मूव कर सकते हैं। ड्रॉ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हम कैसे ड्रॉ करेंगे ये देखेंगे। फॉलो द गिवन स्टेप ड्रॉ अ रेक्टेंगल। स्टेप 1, क्लिक ऑन द रेक्टेंगल सेप फ्रॉम सेप टूल्स। सेप टूल्स से हम रेक्टेंगल सेप क्लिक करेंगे। स्टेप 2, यू कैन सेलेक्ट द रिक्वायर्ड साइज फ्रॉम साइज सेलेक्शन। फिर हम इसकी साइज, जितनी बड़ी साइज चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम साइज सेलेक्ट करेंगे। स्टेप 3, सेलेक्ट द कलर फ्रॉम कलर ग्रुप्स। फिर हम कलर ग्रुप से कलर को सेलेक्ट करेंगे। स्टेप 4, नाउ मूव द माउस पॉइंटर एंड ब्रिंग इट इन द ड्राइंग एरिया।
उसके बाद हम माउस पॉइंटर की मदद से उसको हम मूव करेंगे ड्राइंग एरिया में. नोटिस द चेंज द पॉइंटर इट इज रन टू प्लस शाइन. यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जब हम माउस पॉइंटर को ड्रैग करेंगे तो टर्न्स होने समय ये प्लस इस प्रकार का साइन शो होगा. नेक्स्ट स्टेप 5, होल्ड द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस डाउन. लेफ्ट माउस बटन को हम होल्ड करेंगे और फिर माउस को ड्रैग करते हुए नीचे लाएंगे. रेक्टेंगल विल गेट डाउन. उसके बाद हम देखेंगे रेक्टेंगल बन गया है. वंस द रेक्टेंगल इज ड्रॉन रिलीज द लेफ्ट डाउन. एक बार जब रेक्टेंगल नीचे ड्रॉ हो जाता है तो माउस के लेफ्ट बटन को हम छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं. इस प्रकार हमारा यह एक रेक्टेंगल शेप बन जाता है. इसी प्रकार हम देखेंगे ड्रॉ अ सर्कल. फॉलो द गिवन स्टेप टू ड्रॉ अ सर्कल. स्टेप 1, सेलेक्ट द ओवल शेप फ्रॉम शेप्स ग्रुप. सर्कल बनाने के लिए हम शेप ग्रुप से ओवल शेप सेलेक्ट करेंगे. स्टेप 2, सेलेक्ट फिल कलर. इट विल हेल्प यू सेलेक्ट द मीडियम फॉर शेप फिल. उसके बाद हम फिल स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे अगर हम मीडियम साइज के शेप फिल करना चाहते हैं तो. स्टेप 3, यू कैन सेलेक्ट द रिक्वायर्ड साइज फ्रॉम साइज सेलेक्शन. उसके बाद हम अपने इच्छा अनुसार जिस साइज में चाहते हैं वो साइज सेलेक्शन करेंगे. नेक्स्ट, नाउ सेलेक्ट एनी कलर फ्रॉम कलर ग्रुप. उसके बाद हम कोई भी कलर कलर ग्रुप से सेलेक्ट करेंगे. एंड स्टेप 5, ब्रिंग अ माउस पॉइंटर इनटू ड्राइंग एरिया. फिर हम माउस पॉइंटर को ड्राइंग एरिया में लाएंगे. रिपीट व्हाट यू हैव डन स्टेप 4 एंड 5 व्हाइल ड्राइंग द रेक्टेंगल. और फिर हम वही ऑप्शन रिपीट करेंगे जो हम रेक्टेंगल ड्रॉ करने समय रिपीट किए थे. और इस प्रकार हमारा ये सर्कल बनकर तैयार हो जाता है. नेक्स्ट हम देखेंगे ड्रॉ अ लाइन. फॉलो द गिवन स्टेप टू ड्रॉ अ लाइन. स्टेप 1, क्लिक द लाइन इन शेप टूल. शेप टूल से हम लाइन क्लिक करेंगे. स्टेप 2, इन द कलर ग्रुप क्लिक कलर 1 एंड देन क्लिक द कलर यू वांट टू यूज. उसके बाद हम कलर ग्रुप से कलर 1 में देन क्लिक करेंगे और फिर जो हम यूज करना चाहते हैं उसको क्लिक करेंगे. स्टेप 3, नाउ टेक द माउस पॉइंटर ऑफ द ड्राइंग एरिया. उसके बाद हम माउस पॉइंटर को ड्राइंग एरिया पे जाके ड्रैग करेंगे. एंड स्टेप 4, टू ड्रॉ होल्ड द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द पॉइंटर अक्रॉस द ड्राइंग एरिया. उसके बाद हम माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करेंगे और पॉइंटर को ड्रैग करते हुए ड्रॉइंग एरिया में लाएंगे. एंड स्टेप 5, रिलीज द लेफ्ट माउस बटन टू एंड द लाइन. और उसके बाद लेफ्ट माउस बटन को लाइन के लास्ट में हम रिलीज कर देंगे. तो इस प्रकार हमारा ये लाइन टूल ड्रॉ हो जाएगा. ड्रॉ लाइन्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस. लाइन्स को हम विभिन्न प्रकार के थिकनेस में ड्रॉ कर सकते हैं. फॉलो द गिवन स्टेप्स टू ड्रॉ लाइन्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस. लाइन के डिफरेंट थिकनेस को जानने के लिए हम डिफरेंट स्टेप को फॉलो करेंगे. स्टेप 1, सेलेक्ट द लाइन इन द शेप ग्रुप एंड सेलेक्ट द कलर फ्रॉम द कलर्स ग्रुप. सबसे पहले हम शेप ग्रुप से लाइन टूल्स को सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके कलर ग्रुप से सेलेक्ट करेंगे. स्टेप 2, सेलेक्ट द थिकनेस ऑफ लाइन फ्रॉम द साइज सेलेक्शन. फिर हम साइज सेलेक्शन से लाइन की थिकनेस को सेलेक्ट करेंगे. रिपीट व्हाट यू हैव डन द स्टेप 3-5 व्हाइल ड्राइंग इन लाइन. उसके बाद फिर वही स्टेप्स हम रिपीट करेंगे स्टेप 3-5 जो हम लाइन ड्रॉ करने समय यूज किए थे. नेक्स्ट हम देखेंगे पेंटिंग बाय ब्रश टूल. ब्रश टूल से हम पेंट कैसे करेंगे. इस प्रकार के विभिन्न शेप्स के डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रशेस होते हैं. इसको हम देखेंगे यूज कैसे करना है. फॉलो द गिवन स्टेप टू यूज द ब्रश टूल. स्टेप 1, मूव द पॉइंटर टू ब्रशेस ऑप्शन इन होम टैब. होम टैब पर जाके ब्रश ऑप्शन से हम ब्रश को सेलेक्ट करेंगे. स्टेप 2, सेलेक्ट द टाइप ऑफ ब्रश फ्रॉम द डिफरेंट ऑप्शन बाय क्लिकिंग द लेफ्ट माउस बटन ऑन इट. लेफ्ट माउस बटन की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के ब्रश ऑप्शन पर क्लिक करेंगे. स्टेप 3,
नाउ ब्रिंग द पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया। फिर हम माउस पॉइंटर को ड्राइंग एरिया पर लाएंगे। स्टेप 4, टू ड्रॉ होल्ड द लेफ्ट माउस बटन एंड कीप टू ड्रैगिंग द पॉइंटर एक्सिस टू ड्राइंग एरिया। उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे और लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करके रखेंगे। फिर उसको माउस को ड्रैगिंग करते हुए पॉइंटर एक्सिस पर लाकर ड्राइंग एरिया पर छोड़ देंगे। तो इस प्रकार के ब्रशेस में विभिन्न प्रकार के ब्रशेस के डिजाइन हो जाएंगे। जैसे ये ब्रश हो गया कैलियोग्राफी ब्रश, कैलियोग्राफी ब्रश 2 हो गया, एयरब्रश, ऑयल ब्रश, क्रेयॉन, मार्कर, नेचुरल पेंसिल एंड वाटर कलर ब्रश। ब्रश स्ट्रोक यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रशेस। नेक्स्ट हमारा हो जाता है फिलिंग कलर इन शेप। कलर्स शेप में हम कलर को फिल कैसे करेंगे। फॉलो द गिवन स्टेप टू फिल कलर इन शेप्स। विभिन्न स्टेप को फॉलो करके हम शेप में कलर फिल कर सकते हैं। स्टेप 1, सेलेक्ट फिल विथ कलर टूल फ्रॉम द टूल्स ग्रुप। टूल ग्रुप से हम फिल विथ कलर टूल्स को सेलेक्ट करेंगे। स्टेप 2, सेलेक्ट एनी कलर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द कलर ग्रुप। कोई भी कलर हम अपनी चॉइस का कलर ग्रुप से सेलेक्ट करेंगे। स्टेप 3, नाउ टेक द पॉइंटर टू द ऑब्जेक्ट यू वांट टू कलर। उसके बाद हम जिस ऑब्जेक्ट को कलर करना चाहते हैं वहां पर जाकर हम पॉइंटर रखेंगे। एंड स्टेप 4, क्लिक द लेफ्ट माउस बटन, द ऑब्जेक्ट इज फिल विथ कलर ऑफ योर चॉइस। उसके बाद लेफ्ट माउस बटन को हम क्लिक करेंगे इस ऑब्जेक्ट पे रख कर, तो यह ऑब्जेक्ट जो है उस कलर का हो जाएगा जो कलर आप सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करते हो। नेक्स्ट हो जाता है इरेज और ड्राइंग। ड्राइंग को हम मिटा कैसे सकते हैं, इरेज कैसे कर सकते हैं। सपोज अगर आपने कोई ड्राइंग गलत बना दिया है या फिर से दूसरा बनाना चाहते हैं तो हमें ड्राइंग को इरेज करना होता है। तो हम ड्राइंग को इरेज कैसे करेंगे यह जानेंगे। फॉलो द गिवन स्टेप टू इरेज अ ड्राइंग। स्टेप 1, सेलेक्ट द इरेज फ्रॉम टूल्स ग्रुप टू इरेज एनी पार्ट ऑफ अ पिक्चर। सबसे पहले हम टूल ग्रुप से जाकर इरेजर ऑप्शंस को चूज करेंगे पिक्चर्स को इरेज करने। स्टेप 2, सेलेक्ट द साइज ऑफ द इरेज फ्रॉम द साइज ऑप्शन। फिर इरेज की हम साइज को सेलेक्ट करेंगे। एंड स्टेप 3, प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस ओवर द पार्ट ऑफ द पिक्चर डैट यू वांट टू रिमूव। उसके बाद हम लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करेंगे और माउस को ड्रैग करेंगे उस ओवर पार्ट पर जिस पिक्चर्स को हम रिमूव करना चाहते हैं। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके टू द मेन पॉइंट्स हम वापस रिपीट करेंगे। एमएस पेंट रिफर्स टू एमएस पेंट पॉइंट। एमएस पेंट का मतलब माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता है। द पेंट प्रोग्राम हैज़ मेनी टूल्स डैट हेल्प अस टू ड्रॉ ब्यूटिफुल पिक्चर एंड कलर देम। MS Paint प्रोग्राम हमें विभिन्न प्रकार के टूल्स प्रदान करता है जिसकी मदद से हम बहुत सुंदर पिक्चर्स बना सकते हैं और उनमें कलर भर सकते हैं। ड्राइंग एरिया इज़ द वाइट स्पेस लाइक अ बोर्ड। ड्राइंग एरिया एक वाइट स्पेस की तरह होता है, जैसे लाइक वाइट बोर्ड विच इज़ यूज टू क्रिएट ड्राइंग, जहां पर हम ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसीलिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।